अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस सादिया हूं और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश प्लस अरबिक। लेकिन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम करेंगे एनिमल नेम। अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सी ए टी कैट, टी ओ जी डॉग, सी ओ डब्ल्यू काउ, आर ए टी रैट, एम ओ एन के ई वाई मॉन्की। ठीक है, ये हम लोग एक दफ़ा वो कर चुके हैं, राइट कर चुके हैं। आज हम एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा राइट करेंगे। सी ए टी कैट, कैट कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट थ्री लाइन में हाफ सर्कल, ठीक है, लाइन से नीचे गया नहीं जाना चाहिए, हाफ सर्कल। देन ए राइट होगा स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, लाल लाइन, ब्लू, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ब्लू, देन लाल लाइन और स्लीपिंग लाइन। सी ए टी कैट। इस तरह डॉग, यहाँ पे जो डॉग है वो आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सी की तरह हाफ सर्कल, देन स्मॉल सर्कल, ब्लू, लाल लाइन, ठीक है, और जी राइट करेंगे स्मॉल सर्कल, स्ट्रेट लाइन, टर्न, स्ट्रेट लाइन, टर्न, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, टर्न, ठीक है, देन स्लान लाइन, डी ओ जी डॉग। उसके बाद खाओ, यहाँ पे होगा सी ओ डब्ल्यू खाओ, सी फर्स्ट थ्री लाइन में लेंगे, देन ओ स्मॉल सर्कल, ग्लूब, देन स्लान लाइन। ओ डब्ल्यू कैसे राइट करेंगे? स्लान 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 स्लान, ग्लूब, ठीक है, देन स्लान लाइन। काओ रैट, आर ए टी रैट, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, बी की तरह स्लांट स्लांट, ठीक है, ए कैसे राइट करेंगे? हाफ सर स्मॉल सर्कल, देन स्लांट लाइन, ग्लोब, ग्लोब साथ टच करते हुए बनाएंगे हम, ठीक है, देन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ग्लोब, देन स्लांट लाइन और स्लीपिंग लाइन। क्या राइट हो गया? रैट। अब हम करेंगे मंकी राइट, यहाँ पे एम ओ एन के ई वाई मंकी, ठीक है, मंकी यहाँ राइट होगा, मंकी कहाँ राइट होगा? यहाँ, ठीक है, ये मैं राइट करती हूँ एम ओ एन के ई वाई मंकी, स्ट्रेट लाइन, स्लान लाइन, स्लान लाइन, स्ट्रेट लाइन, एम, इसके बाद स्मॉल सर्कल, ग्लोब, लाल लाइन, लाल लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लांट, हाफ स्लांट, स्ट्रेट, ग्लोब, एंड के कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट थ्री लाइन में स्ट्रेट लाइन, राउंड, स्लांट, राउंड, स्लांट, राउंड, स्लांट, स्लांट, ऊपर से बी की तरह स्लांट लाइन ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद स्मॉली कैसे राइट करेंगे? सी स्लांट लाइन, ई, देन यू, स्ट्रेट, टर्न, स्लांट लाइन, ठीक है, क्या राइट हो गया? मंकी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पेजेस पे आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारे पास है लेसन मोर का, ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेसन मोर का, रेड कलर ले लेते हैं, ये एल ई डबल एस लेस, एम ओ आर ई मोर, एल ई डबल एस लेस, एम ओ आर ई मोर, ये बैलेंस काउंट करें, वन टू, ये टू है, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये लेस है एंड ये मोर है। अब हम लेस और मोर को राइट करेंगे, एल ई डब्ल एस लेस, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन,
स्मॉल ई सी बना के स्लालेन स्लांड टर्न एस दोबारा राइट करेंगे सेम टर्न और सी ठीक है टर्न और सी लेस इसी तरह मोर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्लान लाइन स्लान लाइन स्लान लाइन स्ट्रेट लान लान स्ट्रेट लाइन एम स्मॉल ओ चेंगे टूना इसमें स्मॉल आर ठीक है और स्मॉल ई क्या राइट हो गया मोर ये है लेस ये है मोर लेस कम चीजों को कहते हैं मोर ज्यादा चीजों को कहते हैं ये बैलून आपके पास कॉन्सेप्ट है इसी तरह अब हम करेंगे बुक वर्क आज हम एम पढ़ेंगे ठीक है एम एम्मा मोंकी एम की साउंड क्या म एम की साउंड क्या म एम्मा मोंकी एम ओ एन के ई वाई मोंकी एम्मा मीट एम ई ए टी मीट मीट गोश्त को कहते हैं बड़े गोश्त को ठीक है एम्मा मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो ठीक है एम्मा मिल दूध को मिल्क कहते हैं एम्मा मून चांद को मून कहते हैं एम्मा माउस चूहे को माउस कहते हैं एम्मा मंकी एम्मा मीट एम्मा मैंगो एम्मा मिल एम्मा मून एम्मा माउस ठीक है ये आपने अच्छे से पढ़ना है अब हम करेंगे अरबी का जो कि सूरतुल फातिहा आज हमने पूरी लर्न करनी है पूरी याद करनी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन आप सबने इस सूरतुल फातिहा को पूरी सूरतुल फातिहा को अब याद करना है अच्छे से भूलना बिल्कुल नहीं लाइन को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना बेशक इस पे थोड़ा आप टाइम लगा ले लेकिन आपने इसको अच्छे से याद करना है पूरी की पूरी सूरतुल फातिहा आपको याद होनी चाहिए आप सबने आज ही हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है जो कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप कुछ मसला है या आपने कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू अल्लाह हाफिज़